वेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व, हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। कोरोमंडल एक्सप्रेस सबसे पहले मालगाड़ी से टकराई, फिर तीसरी ट्रेन भी एक ही ट्रैक पर आई और उसके भी कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे बोर्ड ने मौत का आंकड़ा 275 बताया है और हजारों घायल हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लापता है और कुछ लाशें ऐसी भी हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। तीन गाड़ियां जा चुकी है, टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे के बाद की स्थिति को धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया बात करते हुए बताया कि पटरी पर गांडियां चलना शुरू हो चुकी है। इस बीच बात करते हुए अश्विनी वैष्णव रो पड़े और कहा कि जिन परिवारों के लोग खो गए हैं, उनको जल्द से जल्द उनके परिवारजन तक पहुंचाना है, यह हमारा दायित्व है जो अभी खत्म नहीं हुआ है।